नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रदेश में कोरोना की बढ़ रही रफ्तार ने एक बार फिर डरा दिया है। सोनीपत के मुरथल के ढाबों में लगातार पॉजिटिव मिल रहे कर्मचारियों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके बाद ढाबों को लेकर जिला प्रशासन ने नया प्लान तैयार किया। सोनीपत के अलावा दूसरे जिलों में भी ढाबों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ढाबों पर ये रिपोर्ट देखिए। के बीच अब ढाबों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोनीपत के मूर्थल स्थित ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोनीपत के मूर्थल में सुखदेव और गरम धर्म ढाबे में 75 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब मूर्थल के ढाबे परेशानी का सबब बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मूर्थल के पहलवान ढाबे में 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कुबेर ढाबे में 3 और आहुजा और झिलमिल ढाबे में 1-1 कर्मचारी संक्रमित पाया गया है। ढाबों में लगातार फैल रहे कोरोना ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। लिहाजा डीसी सोनीपत श्यामलाल पुनिया के नेतृत्व में सभी ढाबा मालिकों को एडीसी दफ्तर में बने जीआरडीओ ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग में सभी ढाबा मालिकों को सख्त चेतावनी देते हुए ढाबों को नियमों के तहत खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ढाबे पर आने वाले परिवार और लोगों का ब्योरा रजिस्टर में लिखने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा ढाबों की निगरानी प्रशासन सीसीटीवी कैमरों से करेगा, ताकि नियमों का पालन नहीं करने पर ढाबों पर कार्रवाई की जा सके। जो एसओपी थी रेस्टोरेंट्स और ईटिंग जॉइंट्स के लिए, उनसे दोबारा से उनको रीइंफोर्स करने के लिए उनको रीट्रेट आज किया गया है। इनके कुछ कंसर्न्स थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो उसको भी दूर किया गया है। और जो फील्ड में जो सर्विलांस है उसको बढ़ाया जाएगा अब, और जो एसओपी है इनका पालन करके 10 तारीख से जिस जिसका एसओपी कंप्लीट मिलेगा उसका वापस खोलने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोनीपत की तरह करनाल में हाईवे पर स्थित स्वाय ग्रीन फूड कोर्ट और अलग अलग रेस्टोरेंट में 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद करनाल में भी प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ढाबों, होटलों, फूड कोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के तेजी से कोरोना सैंपल लिए, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लगभग 8 लोग जो है डिफरेंट ढाबों में उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसलिए हम बार बार हम ये अपील करना चाहेंगे सभी से, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी, कि अपने साफ सफाई का, अपने स्टाफ की रेगुलर चेकअप का, थोड़े से भी कोई सिम्टम आते हैं इमीडिएटली उनको टेस्ट करवाया जाए, जिससे कि ये किसी और लोगों को आगे संक्रमित ना करें। हाईवे पर ढाबों और फूड कोर्ट में सफर करने वाले लोग रुककर खाना खाते हैं। ऐसे में अगर ढाबों में कोरोना वायरस फैला तो ये वायरस का बड़ा कैरियर साबित हो सकते हैं, जिससे कोरोना की रफ्तार में तेजी से इजाफा होने का डर बना हुआ है। सोनीपत से सनी मलिक और करनाल से केसी आर्या, एनटीआर न्यूज हरियाणा।